पहले मैंने डिसाइड किया था माउंट आबू के व्लॉग बनाने से पहले माउंटेन की कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करूँगा। सो एक रिकैप हो जाए, अब तक मैंने जंगल ट्रैकिंग कर ली, एक वाटरफॉल विजिट किया और कुछ ब्यूटीफुल एंशिएंट टेम्पल भी देखे, और अब टाइम आ गया है टू अनलीश द बीस्ट। फन फैक्ट अनएक्सप्लोर्ड। तो अभी हम आ चुके हैं सदका भवानी मंदिर के जस्ट नीचे की ओर में, वहाँ ऊपर मंदिर जो है वो है ऊपर पहाड़ों में, और काफ़ी झरने भी चल रहे हैं ऊपर, और अभी हम यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे। बाइक हमने वहाँ पे लगा दी है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं काफ़ी साल पहले आया था, लगभग 15 से 16 साल हो चुके हैं। उस वक्त मैं बहुत छोटा भी था और ये जगह मैंने देख रखी थी तो मेरे दिल में थी पहले से। अभी मेरे कज़िन का कॉल आया कि यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और झरने बढ़ चुके हैं, तो इसने मुझे बोला कि हम फिर से प्लान करते जाने का। मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है कि अरावली की इस जगह को एक्सप्लोर करने का, जो कि काफ़ी टाइम से अनएक्सप्लोर्ड है। तो हम लोग आ चुके हैं और अब हम आगे जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलिए। हमारी डेस्टिनेशन वो वहाँ पे है, इस पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे मंदिर है, बीच में हम वहाँ जाएंगे। और अभी जो आप पहाड़ देख रहे हैं जहाँ से ये झरने आ रहे हैं, उसके जस्ट ऑपोजिट में आपने जो हमारे पहले दो वीडियो देखे हैं पुष्कर राज और गंगा जलिया, जहाँ पर हम अभी जाकर आए हैं उन जगह को हमने एक्सप्लोर किया है, वो जस्ट इस पहाड़ के ऑपोजिट में है, बैक साइड में। और ऊपर की तरफ जो पहाड़ देख रहे हैं वहाँ से आप माउंट आबू जा सकते हैं। ऊपर गाँव है ओरिया गाँव करके, यहाँ से 1.5 घंटा लगता है माउंट आबू से यहाँ आने में। तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे, सो एक्साइटेड। यहाँ से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे हम, और उसके बाद वहाँ से 2000 स्टेप्स लगभग हमको जाना है। 2000 स्टेप्स 2000 1800 2000 ओके 2000 1800 स्टेप्स हैं जो हमें अभी यहाँ से चढ़ने पड़ेंगे, तो चलिए। अभी मैं आपको वो चीज़ दिखाने ले जा रहा हूँ जो 18वीं और 19वीं शताब्दी से पुराना है और जो कि काफ़ी चलन में था उस वक्त, यहाँ के कुएँ। आपको एक बैल दिखा रहा हूँ, चलिए। ये जो आप देख रहे हैं इसे बकेट एलिवेटर सिस्टम कहते हैं। ये बहुत ही पहले टाइम में बना हुआ है, जो कि अभी माना जाता है कि अभी लोग पढ़ के इंजीनियरिंग वगैरह करके और ऐसी चीज़ों को मॉडिफाइड करते बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही पहले बना हुआ है। तो ये ऐसे कहा जा सकता है कि उस वक्त के बहुत ही होशियार लोगों ने बनाया है। आप देख सकते हैं इससे कैसे पानी निकाल सकते हैं, पानी बहुत ऊपर तक है। ये रोड जाता है सीधा पालेश्वर महादेव जी को, जो संवत 1208 में बना हुआ है। दर्शन करने जाना है तो आप कभी भी आके ये जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और लैंडमार्क के लिए इस कुएं को याद रख सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ स्ट्रेट जाना है सीधा महादेव जी के टेम्पल।
से स्टेप शुरू हो रहे हैं। इट्स टाइम फॉर लेग्स डे। आज लेग एक्सरसाइज होने वाला है क्योंकि 1800 से 2000 सीढ़ियां है। शुरुआत हमेशा जोश के साथ होती है, फिर दिल और दिमाग दोनों अलग हो जाते हैं। दिमाग कहता है यू टर्न मार लेते हैं यार, नहीं, पर दिल कहता है चलते हैं आगे, कुछ अमेजिंग है। ये पानी नहीं पसीना है, पसीना। अभी हम पहुंच चुके हैं, ये है हमारा यहाँ का मेन झरना। अभी और ऊपर जाएंगे तो वहाँ से और क्लियर दिखेगा व्यू। अब हम मंदिर के ऊपर जाएंगे, थोड़ी सी और चढ़ाई रह गई है, कुछ एक सीढ़ी आए, बाकी हम मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। लेट्स गो।
अब हम यहाँ की हिस्ट्री जान लेते हैं, जिस मंदिर हम आए हैं उस मंदिर की हिस्ट्री क्या रही है, यहाँ पर कितने मंदिर हैं वो सारा हमको बताएंगे यहाँ पे। चलिए सीता माता नाम है इस मंदिर का, और कहते हैं कि 7वीं 8वीं सदी का मंदिर है ये, और शिव पुराण में भी इसका उल्लेख आता आख्यान है कि माँ पार्वती अंदर वनवास में आराम कर रही थी तो उनके पुत्र गणेश को उन्होंने कहा कि किसी को अंदर आने देना मत। तब गणपति जी का पहरेदार के रूप में खड़े थे तो शिव जी आते हैं अंदर जाने की जिद करते तो जाने देते नहीं है, तब से ये मान्यता है कि एक बार जो ये आता है तो उसको दूसरी बार आना ही पड़ता है। जैसे मैं दूसरी बार आया हूँ, हाँ तो उसको दूसरी बार एक बार आया तो उसको दूसरी बार आना ही है, और जो मन्नत मांगता है वो पूर्ण होती है। और यहाँ पे शक्ति सरस्वती और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है लोग यहाँ पे, इसीलिए पूजा अर्चना करते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाऊंगा कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये वो नीचे तलेटी है, वो बांध दिख रहा है नीचे, और अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये रास्ता है ओरिया गांव से होते हुए अचलगढ़ होते हुए, वो रास्ता यहीं से होकर उतरता है और सारे माउंट से आने वाले लोग इस रास्ते के थ्रू आते हैं। और ये नीचे मंदिर का वो व्यू है, अभी यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन शुरू है, और ये देखिए ऊपर का व्यू पूरा। तो वी हैव सम फ्रेंड्स ओवर हियर, सीक्रेटली शूटिंग लेनी पड़ेगी ताकि कैमरा लेके भाग नहीं जाए। आई होप कैमरा ना ले। तो गाइस इट्स टाइम टू लीव, पानी बढ़ चुका है तो अब हमें नीचे जाना चाहिए, वरना आगे जाने वाले जो बीच में झरने आएंगे उसमें हम फंस सकते हैं। भाई जो पानी चल रहा है, जाते वक्त बिल्कुल भी पानी नहीं था, और अभी पूरे रास्ते में सीढ़ियों में पानी है, ऐसे ही उतरना पड़ेगा हम। आई होप ये जो आगे हमने वाटरफॉल क्रॉस किए थे आते वक्त, अभी वहाँ पर पानी बढ़ा ना हो, वरना हम क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे। तो फिंगर क्रॉस। ये था मेरा एक और एडवेंचर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो एक बार आता है उसे दूसरी बार आना ही पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ बार बार आऊँगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रेस्पेक्ट नेचर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द लेंसलेस व्यू।